नमस्कार जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 18 अगस्त भादो महीने की एकादशी को जलाने एक दिया मिलेगा आपको संभाल। दोस्तों, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसको अजय एकादशी, अनंत एकादशी व जया एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उसी के अनुसार यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी की पहली रात से ही ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट कर देना चाहिए। इस दिन सुबह सुबह नित्य कर्मों से निपट करके साफ वस्त्र पहन भगवान श्री विष्णु व उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प करें और यथासंभव उपवास करना है। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु की उपासना पूरे विधि विधान से करें। अगर आप उपासना करने में असमर्थ हो तो आप किसी योग ब्राह्मण से भी उपासना करवा सकते हैं। भगवान विष्णु का पहले जल से फिर पंचामृत से अभिषेक करें। दोस्तों, पंचामृत में आप दही, दूध, मिश्री, शहद, घी मिला लें और उसे अभिषेक करें। स्नान आदि के बाद इस चरणामृत को व्रती अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़क दें। साथ ही थोड़ा सा घृण भी कर लें। इसके भगवान श्री विष्णु को गंध, पुष्प, धूप, दीप, निवेद आदि सभी इस प्रकार की सामग्री को अर्पित करें। जो व्यक्ति पूरे यत्न के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, शक्ति के साथ विधिपूर्वक इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होकर के अंत में वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस दिन विशेष उपाय करने का भी विधान है। इस दिन किए जाने वाले उपाय हम आपको इस वीडियो में अजय एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी है। आप इसको देखिए और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये एकादशी जो है हमें सुख देने वाली है, राजयोग देने वाली है। दोस्तों, आज अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले तो आप ज़रूर श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन करें, भगवान को फूल चढ़ाएं, भगवान के सामने दिया जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जाप करें और रात में एक दिया जरूर जलाएं भगवान के पास और किसी ब्राह्मण को दूसरे दिन भोजन जरूर कराएं। धन्यवाद दोस्तों।